72 घंटे में पत्रकार सलमान अली की हत्या करने वाले तीन आरोपी हुए गिरफ्तार। नगर में गत 17 सितंबर मंगलवार की रात 9 बजे के लगभग सलमान अली कुछ दोस्तों के साथ सिविल अस्पताल के सामने स्कूटी खड़ी कर दोस्तों से बातें कर रहे थे। इसी दौरान एसडीएम चौराहे की तरफ से आए अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने पीछे से सलमान अली के सिर में गोली मार दी। सलमान को समझ पाता उससे पहले बदमाशों ने पिस्तौल निकाली और सलमान के सिर के पीछे से सटाकर गोली चला दी। गोली लगने से सलमान मौके पर ही गिर पड़ा और बदमाश फरार हो गए। तत्काल घायल सलमान को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। संदेह के आधार पर 6 लोगों पर हुई एफआईआर। थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सलमान अली के छोटे भाई अजीम शाह के शिकायत पर सारंगपुर पुलिस ने संदेह के आधार पर यूनुस पिता गीसा मास्टर, अब्दुल रहीम पिता घुडन शाह, सरफराज पिता सलामत, सलमान पिता मोहम्मद फारूक काला पिता रईस, शाहरुख पिता अज्जू निवासी वजीर हुसैन मोहल्ला सारंगपुर पर अपराध क्रमांक 528-24 भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 103-1-3-5 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। शनिवार को इस मामले का खुलासा करते हुए पत्रकारों को SDOP अरविंद सिंह ने बताया कि सलमान अली पिता अजीज अली की हत्या के तीन आरोपियों सरफराज शाह पिता सलामत शाह, शफीक शाह पिता मजीद शाह निवासी सारंगपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वतः उसका संज्ञान लिया गया और जितना हमारा समीपस्थ बल था, थाना पछुआ, थाना नरसिंहगढ़, थाना लीमा चौहान, थाना तलेन, जितने भी आसपास के थाने थे और पुलिस लाइन से बल तुरंत SP साहब के द्वारा भेजा गया और वो स्वतः सारंगपुर में आए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद अपने रात में व्यवस्थित जुलूस निकाला, लेकिन हमारी जो पैरेलल टीमें थी साइबर सेल की और जो एक्स्ट्रा टीमें हमने बुलवाई थी, उसके द्वारा हमारा पैरेलल विवेचना चलती रही। दौरानी विवेचना हमने करीब 60 से ज़्यादा CCTV कैमरों का अवलोकन किया, उसके करीब 200 से ज़्यादा घंटे फुटेज का हमने अवलोकन किया और उन सब का अवलोकन करने के बाद और हमारी साइबर टीम के द्वारा जो उनके इनपुट्स मिले, उनके जो डाटा PSTN और उनका जो CDR वगैरह का एनालिसिस करके हमने करीब 3 आरोपियों को चिन्हित किया कि ये इन्होंने एक पल्सर बाइक पे सलमान का पीछा करते हुए उनके घर से लगातार पीछा करते हुए और अस्पताल के सामने नेहरू पार्क के पास उनकी जाके गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन तीनों का जो नाम है वो सरफराज पिता सलामत शाह, शाहनवाज पिता मोहम्मद रफीक खां और शफीक शाह पिता मजीद शाह। ये तीनों सारंगपुर के ही निवासी हैं और इनके द्वारा ये हत्या की गई। इसकी हमने और आगे तस्दीक की और पता करने की कोशिश की, चूँकि ये घटना के बाद से फरार थे तो हमने फिर कई टीमें यहाँ से उज्जैन, देवास, इंदौर, भोपाल, जहाँ भी हमें इनकी सूचना मिली कि ये हो सकते हैं इनकी रिश्तेदारी और ये हो सकता है, वहाँ पे हमने इनके बारे में पता रसी की और प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी हम इनको गिरफ्तार करें और हमने अभी 72 घंटे के अंदर इनको फिर गिरफ्तार किया। इसमें जब हमने आरोपियों से बात की तो हमें यह आरोपी जो इसमें सरफराज है उसके द्वारा बताया गया कि उसका पिता जो सलामत शाह है, जिसकी रंजिश पूर्व में मृतक सलमान के साथ थी, जिसके कई अपराध दोनों के दर्ज हैं, 307 जैसे संगीन धाराओं के अपराध दर्ज थे, उसी प्रकरण में वह व्यक्ति जेल में था जिसके द्वारा उसके पुत्र सरफराज से ये बार बार कहा जा रहा था कि तुझे बेटा होने का फर्ज निभाना है और कुछ ऐसी बार बार उनके द्वारा प्लानिंग की गई जेल में से, और जिस पर से हमने सलामत शाह को भी इस पूरे प्रकरण में उसका मास्टरमाइंड मानते हुए आरोपी बनाया है। इसके अलावा जिस पिस्टल का उपयोग करके सरफराज ने और उनके ये दोनों साथियों ने ये मर्डर किया, वो वेपन भी हमने सीज किया है और उक्त वेपन को जहाँ से लाना बताया है ये उसका सरफराज का मामू नासिर शाह, जो कि भोपाल निवासी है, उसके द्वारा लेना बताया है और उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी करके माननीय कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और इनका PR लेके अग्रिम विवेचना की जाएगी। तो ये मर्डर के पीछे क्या कारण है?
मर्डर के पीछे का कारण जो मुख्यतः अभी तक समझ आया है वो इनकी पुरानी रंजिश है। इनके पुराने भी 2023 में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था जो कि आरोपी के पिता सलामत शाह जो कि अभी जेल में है उनका ऐसा कहना था कि गलत प्रकरण दर्ज कराया है। इस वजह से इनकी रंजिशें पुरानी चलती रही और करीब 2-3 प्रकरण इन्होंने आपस में एक दूसरे पे 2020 में भी कराया था। 2020 में भी एक प्रकरण 307 का दर्ज हुआ था। ऐसा करके इनकी रंजिशें आपस में बढ़ती गई और फाइनली ये घटना को अंजाम दिया गया। सर कुछ जानकारी हमें आ रही है कहीं से सूत्रों के मुताबिक कि 27 लाख की डिमांड की थी और 20 लाख वो देने के लिए तैयार थी, ये मामला क्या है थोड़ा सा? 27 लाख की डिमांड नहीं थी सलमान मृतक ने, नहीं इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते अभी की स्थिति में। बाकी उनका राजीनामा चल रहा था उसको लेकर आते हुए इस बात की अभी तक हमें इन्वेस्टिगेशन में हमारे नहीं आया है, किंतु अगर ऐसा कुछ मामला है तो उसकी अंतरिम विवेचना में शामिल करके उसको हम आगे तस्दीक करेंगे। सलमान अली की जो कार डिटेल्स निकाली गई क्या आप उसको उजागर करेंगे? वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी हम अपनी विवेचना में रखेंगे क्योंकि वो हम उससे हमारी विवेचना प्रभावित हो सकती है। इसलिए मुख्यतः अभी तक समझ आया है वो इनकी पुरानी रंजिश है। इनके पुराने भी 2023 में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था जो कि आरोपी के पिता सलामत शाह जो कि अभी जेल में है उनका ऐसा कहना था कि गलत प्रकरण दर्ज कराया है। इस वजह से इनकी रंजिशें पुरानी चलती रही और करीब 2-3 प्रकरण इन्होंने आपस में एक दूसरे पे 2020 में भी कराया था। 2020 में भी एक प्रकरण 307 का दर्ज हुआ था। ऐसा करके इनकी रंजिशें आपस में बढ़ती गई और फाइनली ये घटना को अंजाम दिया गया। सर कुछ जानकारी हमें आ रही है कहीं से सूत्रों के मुताबिक कि 27 लाख की डिमांड की थी और 20 लाख वो देने के लिए तैयार थी, ये मामला क्या है थोड़ा सा? 27 लाख की डिमांड की थी सलमान मृतक ने, नहीं इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते अभी की स्थिति में। बाकी उनका राजीनामा का कोई मामला चल रहा था उसको लेकर आते हुए इस बात की अभी तक हमें इन्वेस्टिगेशन में हमारे नहीं आया है, किंतु अगर ऐसा कुछ मामला है तो उसकी अंग्रिम विवेचना में शामिल करके उसको हम आगे तस्दीक करेंगे। सारंगपुर मध्य प्रदेश से एमपी हरिद्रीस मंसूरी की रिपोर्ट।